आज घर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? घर परिवार में झगड़े इसलिए होते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, देखो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सास सोचती है अपने बारे में, सास को लगता है कि मैं अपने बारे में सोचूं और अपनी बेटी के बारे में सोचूं बस। सास बहुत कम सास ऐसी होती हैं जो अपने बहुओं के बारे में भी कुछ सोचती हैं, कम सास मिलती हैं ऐसी। सास अधिकांश हमने देखा है, सास अर्थात माँ हमेशा अपनी बेटी के बारे में ज्यादा सोचती है, अपनी बहू के बारे में कम सोचती है। और यही झगड़े की सबसे मूल जड़ है, यहीं से झगड़ा पनपता है। कौन समझाए इन लोगों को कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी से करती हो इतना ही प्यार अपनी बहू से करने लग जाओ, जितना सम्मान अपनी बेटी का करती हो। अरे बड़े लोग ये सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम थोड़ी सम्मान करेंगे। ना साहब, गलत सोच रहे हैं आप। बड़ा वो नहीं है जो सबसे सम्मान कराए, अरे बड़ा वो बनता है जो सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। जितना सम्मान अपनी बिटिया का करती हो इतना सम्मान अपनी बहू का करोगी तो आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, और हो जाए तो गारंटी हम लेते हैं, होंगे ही नहीं। सास अपनी बहू से प्यार से बात करे, अपनी बेटी को बेटी आ जाए मायके, तो माँ उसके लिए अचार भी बांधती है, घी भी बांधती है, ये भी ले जा, वो भी ले जा, सब ले जा। और बहू रोज तुम्हारी थाली धुलती है, साड़ी धुलती है, उसे फटी साड़ी भी नहीं देती हो, ये तो गलत बात है। ऐसे में तो फिर कहेगी बुढ़िया आने दे, अब दे तेरी बेटी सेवा करती है कि मैं, मेरा नंबर आएगा पानी नहीं दूंगी तुझे, मांग लेना अपनी बेटी से। बड़ा बेटी बेटी करती रहती बुढ़िया, फिर बहुएं बदला ले लेती हैं, फिर सासें रोती हैं बहू सेवा नहीं करती। तो तुम्हारे जब हाथ पांव थे, तुम्हारी जब बुद्धि थी, तब तुमने भी तो निष्पक्ष होके काम नहीं किया ना, गलती तुम्हारी भी तो है। क्यों घर में आग लगा लेते हैं आप लोग? क्यों क्यों इतना पक्षपात करते हैं? और याद रखना, पक्षपात बड़ों से ही शुरू होता है। बेटी से एक एक घंटा बात करती हैं सासू माँ, बेटी क्या चल रहा है, सब ठीक है? और बहू से हाल चाल तक नहीं पूछती कि जिंदा हो के मर गई। बहू चली जाए मायके दो चार दिन, तो बताओ सास का फोन आता है? जिनका आता है वो फिर अच्छे समझदार लोग हैं, वो अच्छी सासें हैं, समझदार लोगों में उनका नाम है। बहू मायके चली गई तो सास ये नहीं पूछती कि बहू ठीक हो, बढ़िया हो। हाँ, बहू ही फोन करे, सास को ये लगता हम क्यों फोन करें, तुम फोन करो। और वहां बेटी को रोज बात करेगी सासू माँ, बेटी ठीक हो, बढ़िया हो। अरे भाई, बेटी का हालचाल लेना बुरा नहीं है, तो थोड़ा बहू का भी ले लिया करो, बहू को अच्छा लगेगा, फिर बहू आपकी सेवा करेगी, आपके बुढ़ापे की हमें चिंता है, इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं आपको। थोड़ी सी गलती से अपना बुढ़ापा ना बिगाड़ लेना। न्याय सबको मिलना चाहिए कि एक को मिलना चाहिए, आप बताओ? सम्मान सबका होना चाहिए कि एक का होना चाहिए, ये बताओ? अरे आपके लिए तो आपकी बहू और आपकी बेटी एक होनी चाहिए, आपके लिए तो बहू का सम्मान और बेटी, क्योंकि बहू भी तो एक बेटी है। बहू कोई आकाश से तो टपकती नहीं है,
किसी और की बेटी आपके घर आती है तो आप बहू कहती हो। अरे तो क्यों नहीं उसे बेटी की तरह लाड़ करो, प्यार करो, करो प्यार। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी मासी न चिपकी रहे फोन पर, एक एक घंटे बात होती है, पता नहीं क्या बातें होती, भगवान जाने खत्म ही नहीं होती, कैसी बातें होती हैं। राम राम। बेटी अपनी मां से बात कर रही है, बेटी अपनी मां से तो बात करती है पर सासू मां से बात करने का समय नहीं। अरे सास से भी पूछ लो, माँ जी पानी लिया, भोजन लिया, पांव दबा दूं। मां तुम ठीक हो, भाभी कर रही है, पांव दबा रही है ना, वो काहे दबाएगी पांव। हाँ हाँ बोलो, बात कर समझाती है, क्यों भाभी पांव क्यों नहीं दबा रही हो माँ के? लो अपनी भाभी को कह रही हो पांव दबाओ माँ के, तुम खुद किसी की भाभी तुम क्यों नहीं दबा रही हो अपनी सास के पांव? ये चल रहा है, उपदेश कर रहे हैं एक दूसरे को, फॉलो कोई नहीं कर रहा, चरित्र में किसी के नहीं। ये चीजें जब चरित्र में उतर जाएंगी तो अपने आप आपका घर घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सास को भी समझदार होना चाहिए और बहू को भी समझदार होना चाहिए। घर का हर सदस्य समझदारी से यदि भगवत चिंतन करता हुआ अपना जीवन यापन करे तो कभी झगड़े लड़ाई जैसी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। कोई झगड़ा नहीं किसी के घर, कोई लड़ाई नहीं किसी के घर में।